हमने अपने 50 डेज कंप्लीट कर लिए हैं विद RapidX इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड टुडे इज डे नंबर 51, दैट इज 51वां दिन। तो आज से हम छठा एक्सपेडिशन यानी 6th एक्सपेडिशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपने सक्सेसफुली 5 एक्सपेडिशंस कंप्लीट कर लिए हैं, काफी कुछ जान चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं, उनसे संबंधित बातचीत जैसे कि हर समय नागरिक को करनी पड़ती है, जैसे शिष्टाचार की बातें हों, ऑफिस में होने वाली बातचीत, कानून विषयों, लेन देन एवं व्यापार आदि से संबंधित विचारों को अंग्रेजी भाषा में प्रकट करने के वाक्य, इसी तरह के हम उपयोगी वाक्य छठे अभियान में देखेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट कहावतें मुहावरे भी इस भाग में शामिल हैं। सो चलिए शुरू करते हैं सभ्यता और शिष्टाचार यानी एटिकेट के साथ। प्लीज नोट द स्पेलिंग ऑफ एटिकेट, इतनी आसान नहीं है तो आप इसको जरा ध्यान से याद कर लीजिए, ETIQUETTE, एटिकेट। इतना काफी है, दैट विल डू, दिस इज इनफ, इट इज इनफ। आप क्यों तकलीफ करते हैं? प्लीज डोंट बॉदर, इसमें कोई तकलीफ नहीं, नो ट्रबल एट ऑल, मेरी फिक्र मत कीजिए, डोंट वरी अबाउट मी, आपकी कृपा है, सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा होगी, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू, मैं आपकी क्या सेवा करूं, हाउ कैन आई हेल्प यू, आपने कैसे कष्ट किया, व्हाई डिड यू ट्रबल योरसेल्फ, बस इतना बहुत है, दिस इज सफिशिएंट, तकलीफ मत कीजिए, डोंट बॉदर, जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, माफ कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे खेद है, आई एम सॉरी, तकल्लुफ मत कीजिए, डोंट बी फॉर्मल, मैं कुछ अर्ज करूं या मैं कुछ कहूं, मैं आई से समथिंग, बुरा ना मानिएगा, डोंट माइंड, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आई एम एट योर सर्विस या आई एम एट योर डिस्पोजल, हम आपकी अच्छी खातिर ना कर सके, वी कुडंट एंटरटेन यू प्रॉपरली, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं आई सिट हियर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प, हम पर आपका एहसान है, वी आर ग्रेटफुल टू यू, एहसान मतलब ग्रेटफुल होना, इसमें कृपा की कोई बात नहीं, बल्कि इससे मुझे तो खुशी होगी, नो क्वेश्चन ऑफ काइंडनेस, इट वुड रादर प्लीज मी, आपकी नेक सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइस, थैंक यू फॉर योर सेंसिबल एडवाइस, थैंक यू फॉर योर गुड एडवाइस, हार्दिक प्रेम और शुभकामनाओं सहित आपका परम मित्र उमेश, विद लव एंड बेस्ट विशेस, योर सिंसियरली उमेश। कृपा करके कष्ट के लिए माफ करें, kindly excuse me for the trouble, बहनों को नमस्ते और बच्चों को प्यार, ये लाइन अक्सर हम लेटर्स में लिखते हैं, regard to sisters and love to children, actually it should be regards, it's not regard, मैं आपका अत्यंत एहसानमंद होऊंगा यदि आप मेरा यह काम करा देंगे, I feel highly obliged if you get this work done, मैं आपकी क्या सेवा करूं, what can I do for you, या हाउ कैन आई हेल्प यू, कभी आइए ना, प्लीज ड्रॉप इन समटाइम, ड्रॉप इन समटाइम, ड्रॉप इन इट्स अ फ्रेजल वर्ब, ड्रॉप इन मतलब आइए, आराम से बैठिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। चेतावनी और संकेत यानी सिग्नल्स से जुड़े हुए सेंटेंसेस, धीरे चलिए, ड्राइव स्लोली, बाई ओर रहिए, कीप टू द लेफ्ट, आगे खतरनाक मोड़ है, डेंजरस टर्न अहेड, यहाँ गाड़ी खड़ी न कीजिए, नो पार्किंग हियर, यहाँ से उस पार जाइए, क्रॉस फ्रॉम हियर, कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, डॉग्स नॉट परमिटेड या फिर नॉट अलाउड, अंदर आने का रास्ता नहीं, नो एंट्रेंस, इसको अक्सर नो एंट्री भी लिखा होता है, एंट्री, बाहर जाने का रास्ता एग्जिट, अंदर जाने का रास्ता एंट्रेंस, घास पर न चलिए, कीप ऑफ द ग्रास, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, बिना आज्ञा अंदर आना मना है, नो एंट्री विदाउट परमिशन, धूम्रपान न कीजिए, नो स्मोकिंग, जंजीर खींचिए, पुल द चेन, किराए के लिए खाली है, टू लेट, और अगर बेचने के लिए खाली है तो हम लिखते फॉर सेल, टू लेट मतलब किराए के लिए और फॉर सेल मतलब बिक्री के लिए, बिकने के लिए, आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, सड़क बंद है, रोड क्लोज्ड, आगे रास्ता बंद है, डेड एंड अहेड, गुसल खाना, WC, सो WC का मतलब होता है वाटर क्लॉजेट, वाटर क्लॉजेट मतलब
एक ऐसा छोटा कमरा जहाँ पर पानी का सोर्स उपलब्ध है और ये यूजुअली टॉयलेट्स के रेफरेंस में कहा जाता है। विश्राम गृह, वेटिंग रूम, एक पंक्ति में खड़े हों, प्लीज स्टैंड इन अ क्यू, केवल महिलाओं के लिए, फॉर लेडीज ओनली, भारी गाड़ियों को चलाने की आज्ञा नहीं, हैवी व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, फोटो लेना मना है, फोटोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स, आरक्षित, रिजर्व्ड, गाड़ी पार्क न करें, टो अवे जोन। याद रखें, संज्ञा की पहचान कई बार बहुत सरल होती है, संज्ञा मतलब नाउन, उसकी पहचान बहुत आसान होती है। उदाहरण के लिए जिस शब्द के अंत में नेस लगा हो वो शब्द संज्ञा होते हैं, मतलब वो नेस वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं सिर्फ। जैसे लॉन्ग इलनेस हैज मेड हिम वीक, लंबी बीमारी ने उसे कमजोर बना दिया है, इसमें इलनेस संज्ञा है। तो ये किससे बना है इलनेस? इल प्लस नेस, यानी कि विशेषण है इल और उसमें नेस लगा दिया तो ये इलनेस बन गया। जैसे इल से इलनेस बना, गुड से गुडनेस बना, सैड से सैडनेस बना, थिक से थिकनेस बना और ग्रेट से ग्रेटनेस बना। असिस्टेंस, सहायता, भाववाचक संज्ञा यहाँ असिस्ट क्रिया से बनी है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है असिस्टेंस, तो ये असिस्ट में एंस जोड़कर बना है, ठीक है। तो ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, अलाउ से बनता है अलाउंस, अलाय से बना अलायंस, अलाउंस का मतलब भत्ता, अलायंस का मतलब गठजोड़। तो इसमें भी आप देखोगे वाई हटाकर आई लगा दिया और फिर ए एन सी ई। सिमिलरली क्लियर से बना क्लेरेंस, यानी कि सफाई, परस्यू से बना परस्यूएंस, पैरवी, जिसमें अगेन परस्यूएंस में ई हटा दिया तो और एंस लगा दिया परस्यूएंस, ठीक है। सो अगेन ये डब्ल्यू सी का हमने मीनिंग देख ही लिया था, डब्ल्यू सी दरअसल वाटर क्लॉजेट का संक्षिप्त रूप है। आजकल शौचालय के लिए अधिकतर जेंटलमेंस या मेन पुरुषों के लिए और लेडीज या वेमेन स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे तो बोलचाल में शौचालय के लिए टॉयलेट या लैविट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस पर डब्ल्यूसी या जेंटलमेंस आदि शब्दों का प्रयोग भी शोभनीय समझा जाता है। सो ये हुआ डे नंबर 51। आई होप आपने इससे कुछ डेफिनेटली सीखा होगा। कल हम डे 52 के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, बाय।